वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अपने हैंड्स और हमारे लेग्स के लिए, क्योंकि जैसे ही विंटर आता है हमारे हाथों और पैरों को ही हम लोग हमेशा कवर नहीं कर पाते हैं। कभी इनको हमको बर्तन धुलने में, कभी कपड़े धुलने में, कभी खाना पकाने में, मतलब हर सिचुएशन में हमको अपने लेग्स और हमारे हैंड्स को ओपन ही रखना होता है, जिसकी वजह से हैंड्स की जो हालत होती है वो बद से बदतर हो जाती है। लेग्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मैं आपके साथ एक शॉर्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका आपको रिजल्ट एक ही यूज़ में दिखाई देगा, और अगर आप इसको पूरे विंटर वीकली वंस भी यूज़ करते हैं तो आपके हाथ इतने ही सॉफ्ट रहेंगे जितने कि मेरे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं अपने हाथों पे, अपने लेग्स पे यही वाला रेमेडी यूज़ करती हूँ, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट से क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने ले लेना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल क्यों लेना है, हमारी स्किन जो ड्राई हो चुकी है उसको स्मूथ करने में हेल्प करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लेना है लेमन जूस। मैंने एक छोटा चम्मच लेमन जूस लिया है जो हमारे स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने का काम करेगा। और यहाँ पर लास्ट में मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक। ये हमारे स्किन को एज एक्सफोलिएटर वर्क करेगा। लास्टली मैंने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज़ वाटर, क्योंकि हमको अपने स्किन को मॉइस्चर भी देना रहेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है। उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। ये थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपका एक अच्छा सा क्रीमी वाला, एक टेक्सचर वाला एक क्रीम बन के रेडी हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, लेना है और अपने हैंड्स पे इस तरीके से अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में आपने इसको क्लीन करना है। अभी मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी कि मेरी स्किन कैसी दिखती है सिर्फ एक ही यूज़ में, और 100% आपको इसका रिज़ल्ट सिर्फ एक ही यूज़ में दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जितने भी डेड स्किन होगी वो डेड स्किन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और हमारी जो सेल्स हैं वो भी एक्टिव मोड पर लग जाएंगे, ताकि जितने भी रिकवरी बेस जब सेल्स का चलता रहेगा तो वो एकदम फ्रेश दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने लेमन लिया है, उसको ही मैंने उसमें डिप किया है अब, और उसी से मैंने क्या करना है, अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अपने फेस के साथ साथ अपने हैंड्स को और अपने लेग्स की भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करने की ज़रूरत होती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे हाथों की कंडीशन और पैरों की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर एक बार यूज़ करके देखें। देखिए, मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। ये देखिए, आप देखेंगे बहुत अच्छे से स्किन एकदम से रिमूव हो जाती है, ये सारी डेड स्किन, और स्किन एकदम से फ्रेश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यही वाला रेमेडी मैं आपको लेग्स पे करके दिखाने वाली हूँ। यही वाला मैंने मिक्सचर लिया है, उसको मैंने अपने लेग्स पर इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक अपने पैरों पर इसी तरीके से क्लीन करना है। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट के लिए अपने हैंड्स और लेग्स को गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में डिप करके रखिए। उसके बाद आप इस रेमेडी को कीजिए, आपको इसका डबल रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिनको भी विंटर में बहुत ज़्यादा हाथों की रफ़ होने की प्रॉब्लम है, ड्राई होने की प्रॉब्लम है, आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। आपको रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, और ये वाली रेमेडी आप अपने हैंड्स पर, अपने लेग्स पर एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि रिज़ल्ट आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और ये रेमेडी मैं मोस्टली अपने हैंड्स के लिए, अपने लेग्स के लिए विंटर में ज़रूर यूज़ करती हूँ, और मुझे 100% इसका रिज़ल्ट मिलता है। सो आप, सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।